आज एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में अलवा जगह है, वहाँ पे एक मदरसा है, तो वहाँ के जो मदरसा के इंचार्ज हैं सिलेबस के, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये मदरसा यहाँ काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम रजीब जी, यहीं केरला का रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ आगे के कोल्लम स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर अपना घर है। कब से है आप हैं इस मदरसे? मैं यहाँ 10 साल से यहाँ पढ़ा था। अच्छा, कितना पुराना मदरसा है ये? तकरीबन 40 साल पुराना मदरसा है। 40 साल मदरसा। अच्छा, तो एक अभी इस वक्त कितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? 220 के करीब बच्चे। 220 जी। और यहाँ पे बच्चे क्या कुछ आगे की पढ़ाई करके आते हैं या आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेते हैं? फर्स्ट स्कूल से पूछते हैं या स्कूल से? स्कूल स्कूल तकरीबन 7 पढ़ करके बच्चे आते हैं हिफ्ज करने। अच्छा। और जो कभी कुछ बच्चे जो है 10th पास करके डायरेक्ट किताब अरबी पढ़ने के लिए भी आते तो हैं। तो बाहर का स्कूलिंग किए हुए बच्चे जो 7 तक पढ़ लेते हैं वो आके ज्वाइन करते हैं। और कुछ लोग जो 10th खत्म कर लिए करके वो भी आके ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब ये जो बच्चे 7th स्टैंडर्ड में ज्वाइन करते हैं जी, तो इनका 10th पास करने का कुछ निजाम है? जी, यहाँ तो NIOS जो इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का सिलेबस से जी, हम इनको मुस्तकिलन इनको कोचिंग ट्रेनिंग दे के इनको एग्जाम लिखवा देते हैं। तो मदरसे के अंदर ही उस सिलेबस को आप लोग पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी। हिफ्ज कराते के साथ साथ वो भी पढ़ाई होती है? हिफ्ज के नहीं, बल्कि वो लोग किताब में आने के बाद, अरबियत में आने के बाद ये कोर्स दे देते हैं। अच्छा। हिफ्ज में तो मुस्तकिलन तो हिफ्ज ही पढ़ाई जाती है। हिफ्ज वाले बच्चे अगर 10th पास करना चाहे तो उसके लिए कोई सिलेबस नहीं है? नहीं, हिफ्ज वाले बच्चे ही अरबियत में आते हैं। हिफ्ज मुकम्मल करके अरबियत में आते हैं उस वक्त इनका 10th हम मुकम्मल करवा देते हैं। तो उधर हिफ्ज भी हो जाता है, इधर 10th भी हो जाता है। अच्छा, 10th के बाद आगे का भी कुछ है? हाँ, 10th के बाद प्लस 2 का भी निजाम है। अच्छा। प्लस 2 भी इसी तरह इनको कोचिंग दे के फिर हम एग्जाम तो आपके मदरसे में 12वीं क्लास तक की पढ़ने की पूरी जी पूरी गुंजाइश। तो उसमें कुरान हदीस की भी हो जाती बल्कि गुंजाइश नहीं, कंपलसरी है, सबको पढ़ना है प्लस 2 तक। उसके बाद जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, मदरसा की तरफ से कुछ कंपलसरी। अभी आप लोगों ने कुछ यहाँ पे और भी निजाम कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह शुरुआत किया है क्या? हाँ, ये तो मुस्तकिलन तो नहीं है, बल्कि बच्चों को कंप्यूटर भी है, वो लाइब्रेरी है, उसमें कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं बच्चे। इसी तरह इसके अलावा बच्चों को और अंग्रेज़ी और उर्दू अरबी ये तीनों जुबानों पर पढ़ने वाले, लिखने वाले और समझने वाले बन जाने के लिए बात भी कर सके, तो इस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। वो मुस्तकिलन पीरियड है। अच्छा। इनके लिए मुस्तकिलन अंग्रेजी में पीरियड होती है 4 तक। ये जो बच्चे 200 करीब तो आप बताए बच्चे यहीं पे रहते हैं कि या सुबह जाके शाम जाके ऐसे भी? नहीं, तमाम बच्चे यहीं पे रह के पढ़ते हैं। यहीं पर वो आसपास के 1-2-3 बच्चे होंगे जो इस मोहल्ले के हैं, वो अपने घर जाके सुबह जाते हैं जी। तो ये जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये क्या फीस लेते हैं या सबको फ्री में पढ़ाई हो रही है? ऐसे नहीं है, बल्कि फीस का निज़ाम है जी। जो बच्चे फीस दे सकते हैं वो उसको अपने माहाना फीस इसी तरह, और जो बच्चे जो गरीब है फीस नहीं दे सकते उनका भी दाखिला हो जाता है। अच्छा। वो अपने मदरसा उसकी कफालत कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मदरसा ले लेते हैं। ये बताइए कि इसके अलावा जो दीनी पढ़ाई हो रही है, दुनियावी पढ़ाई हो रही है, फिटनेस के ऊपर आप लोगों का कुछ तवज्जो है? जी, रोज़ाना फजर नमाज के बाद आधा घंटा कलाम पाक पढ़ने के बाद बच्चों को ग्राउंड में जाकर एक ट्रेनर के सामने एक्सरसाइज करवा देते हैं। अच्छा। वो बड़ा ग्राउंड है इस मदरसे के पीछे हिस्से पे, तो वहाँ तकरीबन 2 राउंड, एक राउंड में तकरीबन 400 मीटर हो जाएंगे, 2 राउंड दौड़ा देते हैं, वो फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करवा के बच्चे गसल वगैरह करके फिर नाश्ता करके फिर सबक शुरू करते हैं। तो मतलब फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखा, पूरा ख्याल रखा है, रोज़ाना एक्सरसाइज है। बहुत अच्छी। दूसरी बात, एक और चीज़ है कि कोई बच्चा होता है कि डिप्रेशन में चला जाता है या फिर कुछ और उसको सोच में चला जाता है जी, इस टाइप के बच्चे जब आपको पता चलता है तो उसके लिए अलग से कोई है कि जो उसके बारे में पता कर सके कि दिमागी हालत से क्यों वो अलग सोच रहा है, ऐसा कुछ है? इसका 2 तरीक़ा है। एक है हम साइकोलॉजी जो है उस किस्म के काम करने वाले हैं, वो मेंटर ट्रेनर हैं, इनको मदरसा में बुला देते हैं साल में 2-3 मरतबा जी, जी। वो आके बच्चों से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। हुँ। फिर जो असातिदा है, जो क्लास असातिदा, हर एक क्लास में एक उस्ताद जिम्मेदार है। अच्छा। तो उनको अगर कोई ऐसा मालूम हो जाए
तो भी रिपोर्ट कर देते हैं हमसे कि बच्चे अगर पढ़ने में आगे था लेकिन अब पीछे है, बहुत टेंशन है या कोई टेंशन तो आ गया ऐसा, तो उस वक्त उनके वालिदैन से हमने वो बात करके फिर डॉक्टर के पास भेज देते हैं। तो उसका भी आप लोग पूरा ख्याल रखते हैं इनका। तो एक उस्ताद के पास कितने बच्चे पढ़ते हैं? असल में वो स्कूल के सिस्टम में, जो स्कूल के सिस्टम में क्लास होते हैं, ऐसे ही है जी। एक क्लास में 8 आके पढ़ा के जाते हैं, यानी एक क्लास में हम ये देखते हैं कि 15-20 से ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, अगर 30 बच्चे हो तो हम दो डिवाइडेड करते हैं, दो डिवीजन। तो मैक्सिमम 20 और 20 से ज़्यादा हो गया तो डिवाइडेड कर देंगे। जी जी, तो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता, तो ज्यादा फोकस हो सकता है, ज्यादा फोकस हो जाएगा। और कुछ आप अपनी तरफ से मदरसे के लिए और क्या कुछ करते हैं जो मैं नहीं पूछा हूँ? वो सिलेबस में हमने ये ख्याल रखे, हमारे जो मदारिस है, मदारिस में जो सिलेबस है उसमें पुराने रिवायती जो किताबें हैं जी, तो इसमें दो तरह की किताबें हैं। एक है उनको जो स्किल बनाने के लिए जो किताबें हैं, जैसा कि नहव सर्फ जो अरबिक ग्रामर है, इसी तरह कुछ जो शुरू के बच्चे जो पढ़ाई उनको जो पढ़ते हैं वो किताब जो है वो अपने स्किल लुगत में यानी लैंग्वेज में स्किल बनाने की जो किताब है उसमें वो पुराने किताब को हमने ज़रा सा हटा करके अच्छा। आज के बच्चों के जो उनके जहनीत को सामने रखकर जो किताबें आज के ज़माने में जो लिखी गई है वो किताब हमने रखी है कि मतलब उसका कुछ फ़ायदा भी हाँ ज़्यादा पढ़ के निकले तो अरबी बात करने के लिए। तो अव्वल के क्लास में जितने भी अरबी ज़ुबान में हमने ज़ोर दिए हैं ताकि आलिमियत जो है तमाम किताबें अरबी ज़ुबान में हैं, तो इसलिए पहले जो एक दो क्लास है जो उसके पूरे बच्चे जो शुरू शुरू ही में आते हैं तो उसको थोड़ा सा आसान भी हो जाए और फ़न में भी अच्छे काबिल हो जाए, तो इसके लिए जो आज के ज़माने के मुताबिक आज के बच्चों का ज़हनियत के सामने रखकर जो किताबें लिखी गई है उसको हमने रखा है। बाकी जो किताबें हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, वो दरस निज़ामी से जो है मुतालिक है, जैसा कि फ़िक़्ह हो, तफसीर हो, हदीस हो, वो सब दरस निज़ामी की किताबें हैं रखी उसमें रखी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदरसे के ऊपर पूरी डिटेल बताने के लिए। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।